मेरा नाम तो धर्मपाल है जी। आप कहाँ के रहने वाले? मैं प्रॉपर प्रवदी का रहने वाला हूँ। तो पुश्तो से ही चले आ रहे? मेरी तो 69 साल एज है, मेरा तो मातृभूमि है ये। मतलब पुरखे भी आपके यहीं के थे? पुरख तो वहाँ से आए थे जब ये 1947 में बंटवारा हुआ था देश का। ओहो, तो बंटवारे वही मैं सोच रहा था, ये छोटे छोटे प्लॉट हैं कहाँ, तो इधर नवाब साहब का इतने छोटे छोटे घर हैं, तो ये आप लोगों को मिले होगी जमीन ना? हाँ जी। हाँ, जमीन मिली थी? हमारे पूर्वजों को मिली होगी। अब हम बताओ, 70 साल हमारी एज हो गई, हमारे पूर्वज चले गए, तीसरी पीढ़ी बस रही है आजकल यहाँ पर। तो आप लोग पाकिस्तान से आए थे? हाँ, हमारे पूर्वज आए थे। हम तो हमारे तो प्रॉपर पटौदी का ही जन्म है। तो ये पंजाबी लोग इधर हैं? हाँ, सारे पंजाबियों का मोहल्ला है ये, VIP मोहल्ला है अमरपुरी। VIP? हाँ, VIP मोहल्ला है पटौदी का अमरपुरी। इसमें सब पंजाबी लोग? सब पंजाबी। इसमें वही लोग हैं जो पाकिस्तान से आए? हाँ, मोस्टली तो पाकिस्तान के हैं, और भी हैं बाहर के भी हैं, 5-7 घर। तो मैं तो आया हूँ पटौदी गांव में, तो आया तो थोड़ा उधर का उन लोगों का चर्चा बता दिया, उनकी वजह से ही देश में फेमस भी है पटौदी। पटौदी फेमस है जी, सैफ अली खान के नाम से फेमस है, इसके पिताजी के नाम से फेमस, मंसूर अली खान पटौदी। आते जाते थे? हाँ, शर्मिला टैगोर, वो तो अब भी है, वो तो अब भी आती जाती है। वो आती हैं? हाँ जी, सैफ भी आता है, करीना भी आती है। चलिए, तो मंसूर अली खान साहब सुनते हैं, आसपास के लोगों से मुलाकात बहुत करते थे? बहुत करते थे, क्रिकेट खेलते थे यहाँ। छोड़िए, तो अब जरा चुनाव के बारे में कुछ बताएंगे? चुनाव तो भाई अब आ ही गए, हमारे विधानसभा के चुनाव हैं। हाँ हाँ जी। मामला क्या बन रहा? मामले का तो भाई देखो, आजकल अंदर की मार मारती है पब्लिक, बाहर क्या बताती है, बताती नहीं कुछ। अंदर से मारती है? हाँ जी। अंदर की मार मारती है जी। वो बात आपकी मैं समझ गया हूँ। बाकी आजकल कोई स्पष्ट रूप से नहीं कहता कि मैं उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ या उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आजकल पब्लिक जिधर देखती है रुझान, उधर बटन दबा देती है बस। लेकिन तब भी आप ये तो बता सकते हैं कि ये 10 सालों में BJP की सरकार का काम कैसा रहा, या अभी जो 5 सीटें कांग्रेस जीत गई तब लोग चर्चा कर रहे कि ये तो बराबरी के टक्कर पे आ लिए? इसको रहने दो, मैं खुद यहाँ पार्षद हूँ। मैं खुद पार्षद हूँ, मेरे को पता है, सारी पॉलिटिक्स कर रही हूँ इस बात को। अभी पार्षद हो आप? नहीं, अब तो मैं एक्स पार्षद हूँ। अरे तो क्या हो गया, ऐसे क्या रख रहे? पार्षद नहीं बात करेगा तो कौन करेगा भाई? एक्स पार्षद हूँ, एक्स। अच्छा, सुनिए, इधर आप किस पार्टी के थे? हम तो इंडिपेंडेंस है। अब इस बार कौन है? आप हार गए? नहीं, मैं आपकी खड़ा ही नहीं हुआ, हार क्यों गया? पहले खड़े थे, ये बाढ़ के बाद। तो कब थे आप पार्षद? 13 से लेकर के 18 तक। तब से तो 2 हो लिए होंगे? नहीं, एक ही तो चुनाव हुआ है, दूसरा चुनाव तो अभी हुआ ही नहीं है। अच्छा। हाँ जी, पहले नगर पालिका थी, अब नगर परिषद बन गई, अभी तक चुनाव नहीं हुए। तो आप क्या किसी पार्टी में इस चुनाव में किसी की तरफ रुख करेंगे कि क्या? मैं रुख नहीं कर रहा। लग रहा अगला चुनाव लड़ना चाहते हो? हाँ, इसीलिए पत्ता नहीं खोल रहे? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल पता खुल रहा। अरे भाऊजी, मैंने एक बार ऐसी स्टेटमेंट दे दी थी, मेरे को बहुत भुगतना पड़ा था, मैं इसलिए कम बोलता हूँ इनके आगे। क्या बोल दिए थे? मैं यहीं बैठे थे, जैसे आप आए हो वहीं बैठे थे, किकर के नीचे छाया में ताश वगैरह खेल रहे थे, वो सब बोले भाई पार्षद से बुलवा लें। बस 2-4 बातें ऐसी, जैसे आप पूछते हो जाना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, वो आप तो इलेक्ट्रिक मीडिया हो ना, अब तो वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ से खोज खोज के कोई नहीं पहुँच सकता। तो क्या हुआ उसको? आप तो सुराख, ऐसे सुराखों को ढूंढते हो, ऐसी ऐसी बात रख देते हो कि आदमी चक्कर ही आ जाता है। अरे नहीं, मैं बहुत सीधी साफ बात करता हूँ। तो क्या बोल दिया था आपने उसमें? बस हो गई बात, वो खत्म हो गई बात, उस बात को मत। तो पार्टी वाले आपसे नाराज हो गए या गांव वाले? ना पार्टी वाले और ना गांव वाले, बस वो मेरे को आज तक के आदमी है। हाँ,
ये तो हरियाणा की बड़ी तगड़ी कहावत है, जहाँ देखे तवा परात वही काटी सारी रात। तो अभी वही तवा परात वाले हो या बम्बई से? तो कह रहा था हम यहाँ नहीं बोल सकते, जो भी है बोल रहे, ये आप इन्होंने कह दिया वो। एक बात बताओ, ये जो हरियाणा में आम लोगों के दिमाग में बदलाव का रुझान आ रहा या जो है वही का? ऐसा है बाबू जी, यहाँ पब्लिक इसलिए परेशान है कि जो काम प्रॉपर्टी आइडिया ये नहीं हुआ काम, पब्लिक इसलिए परेशान है मोदी सरकार से, और कोई परेशानी नहीं। यहाँ सबसे दिक्कत यही आ रही है कि यहाँ प्रॉपर्टी सर्वे करते हैं तो किसी का नाम किसी पे डाल दे किसी पे, फिर पब्लिक परेशान है, कागज़ उठा उठा के चार पाँच छः महीने लग जाते हैं, ठीक नहीं हो पाते, फिर उसको क्या करें। इसीलिए पब्लिक और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ, रोजगार नहीं है यहाँ पे, रोजगार के लिए हर आदमी परेशान है यहाँ पे। ठीक है आपको तो ये नए वाले जो मुख्यमंत्री बने हैं वो तो कह रहे हैं कि अभी भर्ती करेंगे बंपर बनती करेंगे, तो पता लग जाएगा कब करेंगे ये, क्या कब करेंगे, जब पब्लिक ख़त्म हो जाएगी जब ही करेंगे। नहीं समझा आप, जब ये इतनी पब्लिक परेशान है, आप जाके तहसील में जाओ कोई अफसर सही बात नहीं करेगा, प्रॉपर्टी के लिए कहो तो ये हमारा बस के नहीं है जी, वहाँ जाओ हम क्या करें बताओ, सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं करता। सबसे मेन मुद्दा है ये, मेन मुद्दा यहाँ अटक रहा है हमारी जान को। तो आज मैं बता रहा हूँ अपनी हकीकत को, मेरे को 6 महीने हो गए मेरी प्रॉपर्टी किसी नाम कर दी गई है ये। हाँ ये तो बताओ मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे नाम से नहीं है, 6 महीने से घूम रहा हूँ मैं, ठीक नहीं करके दे रहे बताओ। तो ये MLA और यहाँ जो चेयरमैन को कह दिया, किसी को नहीं सुना, अब जाके जब डंडा आया कोई, अब भी ठीक कर दिया नहीं करी, ऐसे करते हैं क्या। वहाँ जाओ जी, आप कोर्ट में जाओ जी, आप तहसील में जाओ जी, उससे मिलो कहाँ से मिले, कमेटी में जाओ तो कमेटी वाले नहीं सुनते, क्या करें बताओ, कहाँ तक जाएं हम। असली मुद्दा यहाँ अटक रहा है, पब्लिक के दिमाग में ये फतूर बढ़ चुका है कि प्रॉपर्टी आइडिया प्रूफ इसमें रगड़ा है, जिसका नाम गलत है वो ठीक करवाने में उसको 6 महीने लग गए, तो बताइए आप क्या करेंगे। आप समझो ना, तो इसका चुनाव में भी कुछ असर पड़ेगा, वो तो बताएगी पब्लिक, बताएगी हम क्या बता सकते हैं, ये तो पब्लिक बता देगी। अभी बता दिया 5 सीटें कोई ऐसे नहीं निकली है, ऐसे नहीं निकली है 5 सीटें, ये तो थोड़ी सी कसर रहेगी, थोड़ा ही रुक गया मामला यहाँ, अगर पटौदी में या अगर ये इधर में आ जाते तो यहाँ मार खा जाते, और भी 1 सीट और निकल जाती। ठीक है, यहाँ पब्लिक का दुखाव है, मन दुखी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हर आदमी परेशान है। सबसे मुसीबत यह है कि कागज़ों की कार्रवाई खा रही है हमारे, सारा काम छोड़ छोड़ के कागज़ों के लगे रहे, हम धंधा है नहीं। चलिए ठीक, क्या करें हम इसको। चलिए, अगर आपकी आवाज़ पहुंच जाए हुक्मरानों तक, मेरी तो कोशिश रहती है आम लोगों की आवाज़ पहुंचे, मैं जरा कुछ और इलाके में कुछ और लोगों से बात करता हूं।